गर्मी में हरा धनिया उगाना एक मुनाफे का सौदा होता है। हर किसान चाहता है कि गर्मी में वो हरा धनिया उगाए और उससे अच्छा मुनाफा ले, क्योंकि गर्मी में हरे धनिया का बहुत बढ़िया भाव होता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें बताऊंगा मैं कि आप कैसे गर्मी में आसानी से हरा धनिया उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये सूचना, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आए आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा आप भी एग्रीकल्चर रिपोर्टर बन सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको अगर आपके पास कोई नई मशीनरी या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर न्यूज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि वो पब्लिक तक पहुँचे, तो उसको आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8155050705 पर भेज सकते हैं। हम उसको आपके नाम और फोटो के साथ में हमारे इस चैनल पर चलाएंगे। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनमोल किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। तो नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं अनमोल किसान। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरा धनिया के बारे में। तो हरा धनिया को गर्मी में उगाना सबसे डिफिकल्ट माना जाता है और किसानों के लिए चुनौती भरा होता है। सबको पता है कि गर्मी में हरे धनिया की मांग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यह शादी समारोह का सीजन होता है। इसके अलावा गर्मी में हरे धनिया को उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप हरा धनिया गर्मी में उगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है जो हरा धनिया को गर्मी में एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो तापमान होता है वो सबसे बड़ा एक बाधक होता है। जो हर धनिया की जो फसल है ये सर्दियों की फसल मानी जाती है, सर्दियों में हर धनिया की फसल ली जाती है जो सीड के लिए उगाई जाती है, जिसका उपयोग मसालों में किया जाता है। लेकिन जो गर्मी में धनिया उगाया जाता है उसका इस्तेमाल पत्तियों के रूप में किया जाता है। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको जो नॉर्मल जो सर्दियों की फसल की जो सीड्स आते हैं आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग वेराइटी जाती है जो आपको बाजार में, अगर आप जाके उनको बोलेंगे कि आपको गर्मी का धनिया उगाना है तो आपको आसानी से वो दे देगा जो विक्रेता होता है जो एग्रीकल्चर शॉप चलाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपको इसको इससे आपको बहुत मुनाफा हो सकता है क्योंकि गर्मी में इसका बहुत बढ़िया रेट होता है। इसके अलावा अगर किसान साथियों हम बात करें वैरायटीज की, तो वैरायटीज की कोई स्पेशल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी वैरायटीज उगा सकते हैं। कई कंपनीज हैं, कई तरह तरह की वैरायटीज निकालती हैं। 300 से लेकर 500 रुपए के बीच में इसका एक किलो का बीज मिलता है। 500 ग्राम के जो पैकेट्स होते हैं वो बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो किसान साथियों, आप अपने नज़दीकी जो मार्केट है वहाँ पर जाइए, उनको बोलिए कि आपको गर्मी का हरा धनिया का बीज चाहिए, वो आपको दे देगा। अब बात करते हैं कि इस जो धनिया की फसल होती है जो हम गर्मी में उगाते हैं उसको सबसे ज़्यादा क्या जरूरत होती है। उसको ज़रूरत होती है एक ठंडे मौसम की। अगर हम जो धूप की मात्रा है उसको कम कर दें, उसके लिए हम जो शेड नेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे लंबी क्रॉप जिनकी बात करें, जैसे कि मेज की क्रॉप, मक्का की क्रॉप होती है, उसके अलावा जो चारे की फसलें होती हैं उनके बीच की जो रोज होती है उसमें भी हम धनिया की बुआई कर सकते हैं। शेड नेट के अंदर तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जैसे कोई मूंग की फसल लगा रखी है, इसके अलावा भिंडी की फसल लगा रखी है, टमाटर की लगा रखी है, तो उनके बीच बीच में भी आप इसके जो धनिया की फसल है वो लगा सकते हैं। क्योंकि इससे जो आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, क्योंकि आप बाकी फसलों में भी उसको वाटरिंग देते हैं, उसको पानी सिंचाई करते हैं, इससे उसका जो एरिया होता है वो आसपास का वो ठंडा होता है, तो धनिया को थोड़ा ठंडक मिलता है और ठंडक में जो धनिया होता है वो अच्छा ग्रोथ करता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है धनिया को उगाने में वो आती है जर्मिनेशन करने में। जो बीज का अंकुरण होता है वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सर्दी में तो अगर आप बीज को डालोगे तो आसानी से उग जाएगा, एक ही बार आपको नमी देनी होती है। लेकिन जो गर्मी है आप उसको लगातार वाटरिंग करनी होती है। सबसे बेहतर तरीका जो इसको लगाने का, आप अच्छे से उसकी खेत की अगाई जुताई कर लीजिए और जो क्लोट्स होते हैं, जो ढेले जो होते हैं मिट्टी के, उनको आपको छोटा छोटा करना होगा, क्योंकि अगर ढेलों के बीच में डालोगे तो अच्छे से सीड नहीं जाएगा और जो ढेला है सीड के ऊपर अगर आ गया तो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा। इसके लिए आपको छोटे छोटे ढेले चाहिए, या आप उसको जो सीड होता है उसको आप मेड़ों पे डालिए। मेड़ों पे उसको अच्छे से पहले प्लेन कर लीजिए, प्लेन करने के बाद बीज को डाल दीजिए और ऊपर से अगर आप हल्की हल्की मिट्टी उस पर डाल सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है या गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप उसका भी डाल सकते हैं। उससे आप वो जो बीज है वो और अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी खाद है वो उसको ग्रोथ करने में बहुत अच्छा मदद करते हैं। तो किसान साथियों, आप मेड़ पे हरा धनिया उगा सकते हैं अच्छे से। इसमें आपको दिक्कत भी कम आएगी, जो नाली होती है उसमें आप पानी की सप्लाई करते रहिए टाइम टाइम पे, उसको ज़्यादा सूखने मत दीजिए।
तो उसको नमी बनी रहेगी, और एक बार जर्मिनेट हो गए उसके बाद आप लगातार उसको वाटरिंग करते रहिए। 50 से 55 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी, जिसको आप जड़ से भी निकाल सकते हैं, अच्छे से धो के आप मार्केट में उसको रबड़ बैंड लगा के भी सप्लाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, धनिया की फसल गर्मी में लेना बहुत आसान है। वेराइटीज की बात कहूँ तो मैं, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, कई तरह की वेराइटीज आपको मार्केट में मिल जाए। तो किसान साथियों, वेराइटीज का कोई स्पेशल रोल नहीं होता है, बहुत तरह की वेराइटीज। अगर आप ब्रांडेड कंपनी की लेंगे तो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, तो आप एक एवरेज कंपनी की लीजिए और आप उसको सिर्फ लगाने के उसके तरीके पे ध्यान दीजिए। आप वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर की सड़ी खाद है उसका इस्तेमाल कीजिए, मेड़ों में उसको अच्छे से डाल दीजिए, और जब सीड डाले उसके ऊपर भी आप उसको डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा एरिया में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो सीड है वो, क्योंकि ज़्यादा अगर गहराई में सीड चला गया तो भी नहीं उगेगा, और अगर ऊपर रह गया तो भी नहीं उगेगा, इसलिए आपको उसको ऊपर भी रखना है और उसको ढकना भी है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो किसान साथी, उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा, इसमें आपको जो दी गई जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको धनिया के ग्रोथ से संबंधित या धनिया को उगाने से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, एक अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।